आपने भी जरूर पढ़ा होगा कि हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं क्योंकि उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। बट ये कभी आपने जानने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें इतना रिस्पेक्ट और आदर मिलता है? वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को, और ऐसा क्या हुआ था उनके लाइफ में जो इतने महान आदमी बन सके? और साथ ही आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जहाँ उनके स्टूडेंट्स ने उनके रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा किया जो आजकल के स्टूडेंट्स भी नहीं कर सकते अपने टीचर्स के लिए। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, टीचर का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो हमें अपना बेस्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। हमारी संस्कृति में गुरुओं का हमेशा से सम्मान किया गया है। आज बात करेंगे उस टीचर की जिसने हजारों स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है अपना बेस्ट देने के लिए। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। इनका जन्म सन 1888 में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ, थिरुटन्नी नामक शहर में जो तमिलनाडु में है। तेलुगु बोलने वाले लोग अपना पहले टाइटल लिखते और बाद में अपना नाम। इसलिए इनका असली नाम राधाकृष्णन है और सर्वपल्ली इनका फैमिली टाइटल है। ये बात आपको नहीं पता थी ना कि साउथ इंडियन, खासकर तेलुगु बोलने वाले लोग अपना टाइटल पहले लिखते और नाम बाद में। जैसे कि अल्लू अर्जुन, अर्जुन इनका नाम है और अल्लू टाइटल। यह बात जिन जिन को आज पहली बार पता चली वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। राधाकृष्णन जी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा उनको पंडित बनाना चाहते क्योंकि उनका परिवार बहुत धार्मिक था, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे। जहाँ जहाँ गए वहाँ स्कॉलरशिप से पढ़ाई की। बाद में ये बगल के शहर तिरुपति में गए, वहाँ एक क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन लिया क्योंकि उस जमाने में ज़्यादातर क्रिश्चियन स्कूल ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराते थे। जब वो कॉलेज गए तब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बुक्स खरीद सके, इसलिए उन्होंने फिलोसॉफी सब्जेक्ट लिया ग्रेजुएशन के लिए क्योंकि इनके एक रिश्तेदार के पास पुराने बुक्स पड़े थे फिलोसॉफी के। 17 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ उन्होंने वेस्टर्न फिलोसॉफी और कल्चर के बारे में बहुत पढ़ा। डेमोक्रेसी में वो बहुत यकीन रखते थे, लेकिन उनके प्रोफेसर जब भी बोलते कि इंडियन फिलोसॉफी में ये प्रॉब्लम है तो वह अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाते थे। इस बात पर उन्हें बहुत ठेस पहुँची। उन्होंने ठान लिया कि वो जितने भी पुराने ग्रंथ और मैन्यूस्क्रिप्ट से उनको पढ़ेंगे और उसको इंग्लिश में लिखेंगे, जिससे दुनिया में इंडियन कल्चर और फिलोसॉफी के बारे में पता चले। वो स्वामी विवेकानंद से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने एमए में जो थेसिस दिया था वो वेदांत की फिलोसॉफी पे था। उनके टीचर्स बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एज अ टीचर ज्वाइन किया और साथ ही डॉक्टरेट भी कर रहे थे। बाद में 1918 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी के प्रोफेसर बन गए। 3 साल बाद कैलकटा यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया पढ़ाने के लिए। 8 साल तक उन्होंने कैलकटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। वहाँ वो रविंद्रनाथ टैगोर से मिले, उनसे उनकी बहुत मुलाकातें होती थी। वो उनसे बहुत ही इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। कलकत्ता में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही हो गई थी। वो लेक्चर्स देने देश विदेश जाया करते थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने उन्हें बुलाया कि आप हमारे यहाँ पढ़ाइए। इससे उनके बहुत सारे अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स बन गए। फिर आंध्रा यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर बने। फिर इनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाया गया। उनके स्टूडेंट्स पूरे दुनिया में फैले हुए थे। वो इंडियन फिलोसॉफी को ऐसे पढ़ाते थे कि मॉडर्न बच्चे उनको समझ सके। वो चीज़ों को आसान करके पढ़ाते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स थे। उन्हें 16 बार नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया। उनकी किताब इंडियन फिलोसॉफी आज भी क्लासिकल मानी जाती है। आज़ादी के बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने। बाद में वो इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने 1952 में। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा और यह इंश्योर किया कि राज्यसभा की कार्यवाही अच्छी तरह चले। जवाहरलाल नेहरू ने इनको रशिया भेजा था एम्बेसडर के तौर पर जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। फिर 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल बहुत मुश्किल भरा रहा। 2 प्राइम मिनिस्टर्स की मौत हो गई, चाइना और पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ, लेकिन राधाकृष्णन जी कोशिश करते रहे कि इंडिया का डेवलपमेंट रुके नहीं और इंडिया सबसे दोस्ती बना के रखे। अपने इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंग्रेजों ने भी इनको सर की उपाधि दी थी। मैं आपको वो किस्सा सुनाऊंगा जो उनके स्टूडेंट्स ने किया।
जब वो मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़ रहे थे तो उनके फेयरवेल के लिए उनके स्टूडेंट्स ने एक फूलों से सजी बग्गी मंगाई, बट उस दिन घोड़ा नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स ने कॉलेज से स्टेशन तक खुद हाथों से बग्गी को टाना। इतना रिस्पेक्ट करते थे स्टूडेंट्स उनको। जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनके बर्थडे पर बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स और फैंस आए थे उनका बर्थडे मनाने। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे बर्थडे को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वो टीचर्स को बहुत वैल्यू देते थे। उन्होंने मांग की थी कि टीचर्स की सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते देश की मजबूत रीव रखने में और उनको खुश रखा जाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाने का सुझाव दिया। यूनिवर्सिटीज़ का एक स्टैंडर्ड हो भारत में, उसकी कल्पना सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन आएगा मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए नॉलेज कमाते रहिए। जय हिंद।